सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज ना दोबारा जा रहे हैं मम्मी को, मम्मी से मिलवाने। और भाई आज ना अभी डोसा खाने का मन है, मैंने कुछ खाया नहीं है। हमारे यहाँ ना डोसा मिलता है, वो मैं आपको भी जरूर दिखाऊंगा, वो जरूर देखना भाई, मोस्ट रिकमेंडेड है वीडियो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अभी दिखाता हूँ। तो लेट्स गो भाई, देख लो हम आए डोसा खाने, मम्मी जी और मैं, और हमने वड़े ही पैक कराए। ये देखो इस पे ना बहुत भीड़ रहती है, ऐसे ना मैंने ऑलरेडी व्लॉग बना रखा है, मतलब पहले आपने देखा नहीं होगा, मतलब देखा होगा दूसरे चैनल पे, वो मैंने हटा दिया भाई। मोस्ट रिकमेंडेड है, और ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, बहुत टेस्टी होता है। 70 रुपीज़ का डोसा है, आता है तो फिर मैं दिखाता हूँ। ये ना पड़ता है बिल्कुल आपका दिल्ली में साई बाबा मंदिर है ना, उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट पे ये पड़ता है भाई। रश देख लो, आएगा ना फिर मैं दिखाता हूँ। और भाई 70 रुपीज़ में बहुत टेस्टी डोसा होता है। अभी आ जाए, बोला हुआ है ऑर्डर, मम्मी और मैं खाएंगे डोसा, बहुत भूख लग रही है। आए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और भाई डोसा आ रहा है, फिर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और भाई हाँ, मैं अभी सो के उठा हूँ, शादी वादी से ना लेट आया था। और भाई आजकल ना क्या चल रहा है, मतलब ऑफेंड मत होना, पेरेंट्स बोलते हैं कि ना भाई लेट सो के उठो, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, जनरेशन के हिसाब से हर चीज़ें चेंज होती है। और लोग बोलते हैं भाई मोदी जी 4 घंटे सोते हैं, ये कोई 2 घंटे सोता है, कोई 3 घंटे। भाई आपकी सेहत, जो आपकी जो हेल्थ होती है ना, जो अलाउ करती है, अब वो करो, ऐसा नहीं है भाई आप थके हुए हो बहुत ज़्यादा और आप सो रहे हो 1 घंटा और आपको करना। भाई वो बिजनेसमैन जो होते हैं वो अलग होते हैं, उनका रूटीन शेड्यूल अलग होता है, उनको बहुत चीज़ें देखनी होती है, हेक्टिक्स होती हैं, हमारा भी अलग है, जॉब वाले पर्सन अलग हैं। भाई अपनी लाइफ को ना एवरी मोमेंट एवरी सिचुएशन हर चीज़ में जीना सीखो, इन्जॉय करना सीखो। आज की डेट में आप देखो, डॉक्टर्स भी नहीं बोलते, पहले लोग बोलते थे कि भाई पानी पियो 8-8 लीटर 9-9 लीटर, और अब ऐसा कुछ नहीं है, अब जितनी प्यास उतना पानी, और इसलिए बोलते भाई ऐसा कुछ नहीं है, आज सुबह उठना, जल्दी उठना, आपके जो स्केड्यूल जो आपका बना हुआ है वो ही रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। मैंने बहुत लोगों के व्लॉग में देखा है, बहुत लोगों के फादर हैं, बच्चे हैं जो है आजकल लेट ही सो के उठते हैं। भाई आपकी जो आपकी हेल्थ अलाउ करती है ना, वो चीज़ को वो प्रेफरेंस दो। ये नहीं कि भाई आपको सुबह जल्दी उठ के सूर्य देवता आ गए तो आप भी उठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जनरेशन के हिसाब से हर चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो ऐसी ऐसी चेंज होने वाली है, और हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत ही बेकार होने वाली है, हमें पता है, क्योंकि उनके बाप दादा हम होंगे इसलिए। भाई आ गया हमारा फाइनली डोसा, ये देख लो साइज़ बहुत बढ़िया है, मम्मी का भी भाई टेस्टी है, बाकी खा के बताते हैं। लेकिन ना मोस्ट रिकमेंडेड है, यू ऑल्सो मस्ट ट्राई, आप लोग जरूर आना, वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस चटनी सांभर अनलिमिटेड है, ले सकते हो आप। भाई डोसा वोसा खा लिया मम्मी जी ने भी, है ना मम्मी? मम्मी कह रही अच्छा नहीं लगा मेरे को, कोई नहीं भाई, कई बार हो जाता है। और अभी देखो जूस पीना है भाई, मौसमी का नहीं संतरे का, भाई फ्रेश जूस भी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देखो भाई की स्किन कितनी अच्छी ग्लो कर रही है पहले से, भाई नज़र न लगे, बट ना अच्छी चीज़ें खाओगे ना तो अच्छा होने का। हाँ डाल दो डाल दो, तो भाई यही है, और बाकी अभी चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और भाई हम ना अभी मेट्रो स्टेशन पे ना खड़े हुए हैं, मतलब मौसी जी का वेट कर रहे हैं, आने वाली है। तो और भाई आपको ना एक चीज़ और अवेयर करनी है, आजकल जैसे बहुत स्कैम चल रहे हैं ना, तो सुभाष नगर पे भी ना आजकल ये स्कैम चल रहा है। एक अंकल आए अभी, मतलब काफ़ी हाथ पैर, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, है ना मम्मी? इतने बढ़िया अंकल थे, मतलब हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत, और हमसे पैसे मांग रहे हैं, मतलब ये स्कैम भी आजकल चल रहा है। और ये ना मैंने ना अपने वहाँ पे भी देखा है, साउथ एक्स में एक अंकल है स्कूटर पे, शायद पता नहीं किसी ने देखा नहीं होगा, नोटिस नहीं करा होगा, मौसी आ गई तो नोटिस नहीं करा होगा, तो भाई उसमें ना तो भाई पैसे मांगते हैं। भाई प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है ऐसे मत करना, और आजकल बहुत स्कैम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आईडी को लेके, यूपीआई को लेके, पेटीएम को लेके, तो भाई कुछ भी ना ऐसे मत करना, तो भाई बिल्कुल भी, और सतर्क रहो बिल्कुल। हमारे वहाँ ना, हाँ मैं आपको बता रहा था, अंकल हैं भाई, वो स्कूटर पे आते हैं और पेट्रोल मांगते हैं, धक्का लगाते हैं, और उनके पास सब कुछ होता है, लोग उनको पैसे भी दे देते हैं, तो भाई प्लीज़ इनसे बचें बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूँ अवॉइड करें बिल्कुल भी ना करें। और आ गई मौसी जी, नमस्ते मौसी जी, नमस्ते नमस्ते। तो भाई यही अवेयरनेस का वो है, बाकी आपको भी चलते हैं बताते हैं। नानी के घर पहुंच गए, देखो नानी जी की, हाँ देता हूँ, ये देखो देखो छुटका ना बहुत शैतानी करता है वो देखो वो, और नानी मेरी लड़की के बारे में पूछिए, तेरी लड़की कैसी है? मेरी लड़की बढ़िया है, नानी को याद नहीं रहता थोड़ा सा ऐसा। सो भाई फाइनली हम पापा जी के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि ना ये गाड़ी है ना, ये कल आपने नानी वाला व्लॉग देखा होगा, वो आधा बना, और मैं आके ना रात को सो गया था, और अभी भी नींद में हूँ, उठता लेट हूँ मैं थोड़ा ऐसी। ये ना ये गाड़ी हमारी सेल, भाई ये ना ऑफ कर रहे हैं तो ना बंद नहीं हो रही, मतलब खुल रही है बंद नहीं हो रही, वो मैं आपको दिखाता हूँ चल के। खोलिए ये देखो, अभी मैंने बंद करी, खोलना पापा
ये देखो भाई खुली हुई है, मतलब बंद नहीं हो रही। और ये देखो खुलती है, हाँ खुल जाएगी लेकिन बंद नहीं होगी। पता नहीं क्या, अभी दिखाते हैं उसको, चेक करते हैं। भाई देख लो, लोग गाड़ी ठीक कराते हैं मैकेनिक के पास, हमारे पास मैकेनिक खुद ही आए हैं। ये देख लो भाई गाड़ी यहाँ D&D पे खड़ी है बीच में, और हम यहाँ ठीक करवा रहे हैं। भाई इसकी ना वही प्रॉब्लम मैंने अपने देखी ना भाई, बंद नहीं हो रही गाड़ी, पता नहीं क्या हो गया। पापा जी ने करवाई थी ठीक दोबारा, और फिर देखते हैं खोल के क्या सिस्टम है। और भाई देखो ये देखो पूरा ताम नाम खुला हुआ है, और गाड़ी हो गई ठीक बिल्कुल। भैया ने बर्देदार ठीक कर दी, कुछ भी नहीं था भाई। एक डंडी होती है वो झटके से खा के गिर गई थी, और बिल्कुल सही कर दी भैया ने, मतलब टंच हो गई गाड़ी, और अब बंद भी हो रही है और खुल भी रही है। पहले ना भाई गाड़ी ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते थे, क्योंकि गाड़ी ना अनलॉक तो हो रही थी लेकिन लॉक नहीं हो रही थी, और अब भैया ने बिल्कुल बढ़िया कर दी। देखो और भाई आज देख लो, आज तो वर्किंग डे भी नहीं है, देख लो 12 पुला पे संडे भी जाना। भाई इतना ट्रैफिक बढ़ गया है दिल्ली में, इतना ट्रैफिक बढ़ गया है, गाड़ी चलाना दूभर है। ये देख लो भाई गाड़ी नहीं चला सकते संडे को भी जाम, और इस टाइम पे कितने बज रहे हैं, देख लो 4, ऑफिस टाइम नहीं है फिर भी इतना जाम है। और भाई आ गया अपना फाइनली जूस, जूस पीने आए थे पापा जी और मैं। और आज रात को ना मैं एक बढ़िया जगह जा रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो आप देखना नेक्स्ट व्लॉग में। तो भाई जूस पी लें फिर घर पहुँच के व्लॉग एंड करते हैं। बाकी यही छोटा सा व्लॉग था, वो जो दूसरा बनाऊंगा ना वो देखना, वो इंटरेस्टिंग होगा, वो दूसरे व्लॉग में दिखेगा आपको सब चीज। और भाई थोड़ा सा मैंने नया आया नहीं हूँ, सो सॉरी उसके लिए। और भाई मम्मी जी का भी जूस पैक करा लिए। बाकी यही छोटा सा व्लॉग था, और बाकी ना रात को मैं बढ़िया जगह निकल रहा हूँ, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और आई होप यू गाइज इन्जॉय माई व्लॉग। और भाई हाँ, मैं ना नेक्स्ट व्लॉग में अपनी इंस्टा ID और फेसबुक ID जो मेरा पेज है उस पर भी मैं व्लॉग्स अपलोड करता हूँ। इंस्टा पे अपलोड नहीं करता, इंस्टा पे मैं स्टोरीज अपलोड करता हूँ, सो मेक श्योर यू हैव टू फॉलो दैम। आप मेरा उसका भी इंस्टा फॉलो कर लेना, और आपको उस पर अपडेट्स अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे। बाकी यही थोड़ा सा व्लॉग था, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आई होप यू गाइज इन्जॉय माई व्लॉग, और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।